कैमशाफ्ट, ये प्लग प्लग को सेंस करेंगे, और ये है आपका क्लास हाउसिंग। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू एन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज एक होंडा डियो का इंजन रिवील होगा, फुल इंजन रिवील होगा। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे रिवील होता है, अच्छे से दिखाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, 1K होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ क्या क्या पार्ट्स लाया है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होगा और क्या क्या न्यू डालेगा, क्या क्या रिपेयर हुआ, वो सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। और प्रॉब्लम था कि व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम था, आप लोग तो जानते ही है व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम की होता है। तो इसके लिए हम फुल इंजन को रिवील करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर में देखिए, सारे पार्ट्स जो है वो अच्छे से साफ कर दिया है। ये रही कैमशाफ्ट, ये प्लग प्लग को सेंस करेंगे, और ये है आपका क्लास हाउसिंग, क्लास शू जिसको बोलते हैं, ये है क्लास शू। और ये है हेड, देख सकते हैं, इसको भी क्लीन कर दिया है अच्छे से, और ग्राइंडिंग भी कर दिया है फल्प लगे। और ये बेंडिक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सेंस होगा क्योंकि इसका स्प्रिंग जो है वो ख़राब है, इसके लिए इसको सेंस करेंगे। और ये फल्प का स्प्रिंग, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जितने भी सारे देख रहे हैं आप लोग, सब नट बोल्ट है, सबको अच्छे से क्लीन कर दिया। ये है रॉकर, इसको भी क्लीन कर दिया। ये है आपका टाइमिंग चेन गार्ड, ये है आपका एक्सेल, ये है आपका फेरिएटर फैन, ये फेरिएटर, ये चेन टेंशनर, और इधर में बोल्ट है। तो सारे चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ चेंज होगा, और इसको भी अभी खोल देंगे और उसके बाद क्लीनिंग होगा सारी पार्ट जो है। और इधर में यह फिल्टर वगैरह पड़ा हुआ है, इससे कार्बोरेटर, और ये आपका ब्लॉक पिस्टन किट जो मैं लाया हूँ उषा कंपनी का, बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है, और इंजन की साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो उसको इसका प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यह है ब्लॉक और इधर में पिस्टन रहते हैं ऐसा, और इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंट दिया और कूपन भी रहते हैं, 2325 MRP था, लेकिन हमको मिल गया है 1800 समथिंग में, और कूपन भी था 75 rupees का। और इधर में है फाल्ब, देख सकते हैं ये फाल्ब है, और उसके बाद ये है सेल्फ का बेंडिक्स जो मैंने बोला था, इसको भी चेंज करेंगे, दिखा देता हूँ। और इसका प्राइस मैं दिखा देता हूँ कितना है, प्राइस तो लिखा नहीं है, ये है सेल्फ का बेंडिक्स देख सकते हैं। और फाल्ब का प्राइस दिखा देता हूँ, फाल्ब का प्राइस है ये, और ये है आपका रोलर, रोलर का प्राइस भी देख सकते हैं 200। और ये है एयर फिल्टर जो कि स्टील वाट का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है ये। और ये है गास्केट सेट देख सकते हैं, और इसका प्राइस है ये 135। और ये मोतुल का इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं, 10W30 का 800 ml, तो उसका भी प्राइस है 336 देख सकते हैं। तो ये सभी पार्ट मैं इंस्टॉल करूँगा होंडा डियो के इंजन में, और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कैसा इंजन बन रहा है। मैंने तो पहले बहुत सारा इंजन का काम किया है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं किया है आज तक, तो आज मैं वीडियो बनाऊँगा। पार्ट दो हो सकता है क्योंकि इंजन बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग जानते ही है, तो दो पार्ट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना आप लोग, और एक लाइक तो ज़रूर करना यार। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्लीनिंग होगा सारे से, उसके बाद फिटिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आप लोगों को हिंट कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे ऐसे फिटिंग करते हैं, उसको मैं अच्छे से दिखा दूंगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 1K होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और ये हेड क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्लीनिंग तो किया है लेकिन अच्छे से कपड़े से साफ़ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लगा हुआ होता है, तो इसलिए अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद इसका भी फिटिंग का प्रोसेस चालू होगा, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होते हैं। तो इंजन को आप जितना भी क्लीन करेंगे
तो इतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इंजन अच्छा लगेगा स्टार्ट करके। तो पहले तो हम क्लीनिंग के प्रोसेस अच्छे से करते हैं, उसके बाद फिटिंग करते हैं। तो जल्दी से क्लीनिंग करते हैं, आप लोग टाइम लैप्स देख लीजिए। और एकदम डिटेल तो वीडियो नहीं होगा, क्योंकि डिटेल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और पार्ट में बनाऊंगा तो पार्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो एकदम अच्छे से मैं बता दूँगा, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर ज़्यादा कमेंट आ गया तो मैं डिटेल वीडियो पूरा डाल दूँगा। हो चुका है डन, अभी आपका कैमशाफ्ट लग गया, उसके बाद रोकर के लगाएंगे, और रोकर के जो लॉक है उसको भी लगाएंगे। और रोकर लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि रोकर अच्छे से लग जाए और लॉक जो है वो भी अच्छे से बैठ जाए। मेरे क्या होगा, लॉक निकल जाएगा तो रोकर काम नहीं करेगा और गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब और एक बार आपको खोलना पड़ेगा। इसलिए इंजन पे काम आप जो भी करें एक बार ही अच्छे से करें, क्योंकि इंजन बार बार नहीं खुलता है, और बार बार खोलने से आपका नट बोल्ट का जितना भी ट्रेड है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए एक बार में ही अच्छे से काम आप कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं रोकर का लॉक जो है उसको भी लगा दिया। उसके बाद मैं आपका पिस्टन का रिंग फिटिंग करूँगा, और रिंग फिटिंग करने का तो प्रोसेस नहीं जानते हैं तो कैसे रिंग बैठता है। मेरा पहले वाला वीडियो है, शायद आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो मैं आई बटन में मैं डाल दूँगा। उसके बाद आपका मैं पहले पिस्टन को ब्लॉक में लगा लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो पिस्टन को लगा दिया ब्लॉक में, और रिंग को भी बिठा देंगे अच्छे से, और उसके बाद लगा देंगे। उसके बाद कनेक्टिंग में पिस्टन को लगा देंगे। तो आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे होता है प्रोसेस। मैं तो फास्ट कर दिया हूँ वीडियो को, लेकिन आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग समझ जाओगे कैसे कैसे होता है इंजन का काम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी क्रैंक को बिठाने से पहले आपका टाइमिंग सेंस जो रहते हैं उसको अच्छे से बिठा दीजिए इधर में। उसके बाद इधर में थोड़ा सा ऑयल दे देंगे ताकि बियरिंग जो रहते हैं वो अच्छे से फिट हो जाए, तो परेशानी ना हो लगाते वक्त। इसलिए बियरिंग जो है उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर देंगे, और इसको एकदम हल्के अच्छे बिठाना है, आसान से बैठ जाएगा। लगाने के बाद फ्री घूमना चाहिए ये, तो आप लोग देख चुके हैं ये एकदम फ्री घूमना चाहिए। तो अभी इसमें सीलन लगाएंगे, उसके बाद ऊपर का जो कवर है उसको लगाएंगे।
तो इसका क्रैंकशाफ्ट को बिठान के बाद इधर में पैकिंग आता है, और पैकिंग नहीं भी किस कोई कोई गाड़ी में पैकिंग नहीं भी आता है, तो पैकिंग नहीं आता है तो आप लोग सीलेंट जो रहते हैं वो सीलेंट अच्छे से हल्के हाथ से लगा दीजिए, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाइए, ज़्यादा नहीं सीलेंट लगा के इसको लगा दीजिए। ये डीओ में तो गास्केट सेट में तो पैकिंग आ गया, तो पैकिंग को मैंने लगा दिया अच्छे से। उसके बाद क्रैंक केस को बिठाएंगे, और बिठाने के बाद जो बोल्ट है उसको आपको क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, तो देख लीजिए। और प्लास्टिक का हमारे यूज़ कीजिए आपके पास है तो। तो अभी जितने भी सारे बोल्ट है ये 10 नंबर का है, इसको मैं हल्के हाथ से टाइट करके लेता हूँ। और आप भी क्रॉस पैटर्न में टाइट कीजिएगा जब भी इंजन को रिवील करेगा। तो क्रॉस पैटर्न में टाइट करने से क्या होता है, एक साथ बैठ जाता है और इंजन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अभी डबल स्टैंड को लगाएंगे। तो डबल स्टैंड भी लग गया, अभी जो है ब्लॉक को बिठाएंगे। तो पिस्टन को मैंने ब्लॉक में लगा लिया है अच्छे से, थोड़ा सा लगा लिया है क्योंकि पिस्टन बिन भी बिठाना है तो एकदम से नहीं घुसेगा, थोड़ा निकल के रहेगा बाहर में। रिंग जो है उसको अंदर की तरफ पुश कर दिया है, उसके बाद पिस्टन पिन जो है उसको लगाएंगे। और पिस्टन पिन का लॉक रहता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, लॉक कहीं पर गिर ना जाए। ये लॉक का लॉक में लगा रहा हूँ, उसमें थोड़ा मुश्किल है लॉक को लगाना, लेकिन इतना भी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लग जाएगा। लॉक को लगाने के बाद पिस्टन को अंदर की तरफ सा घुसा देंगे। देख सकते हैं लॉक जो है वो एकदम से फिट हो गया है, सकते हैं। और ये एकदम फ्रीली घूमना चाहिए। उसके बाद आपका एक सील आता है, सील को भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद सील का एक आपका प्रेशर में रहते हैं जो 10 नंबर का बोल्ट रहता है इधर में, उसको भी लगा दिया है। तो ब्लॉक को लगाने के बाद हेड को लगाएंगे, और हेड को लगाना भी इजी ही है, आपको शायद अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हेड को प्रॉपरली लगाना है। आपको हमने पहले भी बोल दिया है, आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एकदम डिटेल में बना दूंगा, ताकि आप लोग भी खुद का गाड़ी का इंजन रिबिल्ड करते वक्त, कोई मैकेनिक रिबिल्ड करते वक्त आप भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये तो गलत है, ये तो ऐसा लगना चाहिए था। तो इसलिए खुद का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना प्लीज़। और जितने भी सारे बोल्ट है उसको क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, तभी एकदम प्रॉपरली फिट होता है और टाइट भी होता है और इंजन दमदार रहते हैं। तो ये देख सकते हैं क्रॉस पैटर्न में मैंने टाइट किया है। तो फिर टाइमिंग को मिलाएंगे, उसको टाइट करने के बाद टाइमिंग को मिलाना भी इजी है। आपको मैं बोल चुका हूँ कि डिटेल में सही है तो मुझे कमेंट करना, एकदम फुल्ली डिटेल में दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन डिटेल में मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ये सब कुछ है, तो आप लोगों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ जितना मेरे से हो सके। वीडियो बनाने में तो मैं वो बना सकता हूँ आपके लिए। तो इधर में देखिए टाइमिंग जो स्प्रॉकेट रहते हैं, इधर में 2 8 mm के बोल्ट रहते हैं, तो उसको भी टाइट करेंगे और इसको लगाने के बाद हेड के जितना भी सारे पार्ट है आपका हेड कवर रहते हैं, हेड कवर को और जितना भी सारे प्लास्टिक का फेरिंग रहते हैं उसको लगाएंगे।
उसके बाद गाड़ी में इंजन को उठाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या होते हैं, और अभी फाइनल स्टार्ट की तरफ चलते हैं। फाइनल स्टार्ट में साउंड कैसा आता है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो टाइम लैप्स देख लीजिए, उसके बाद इंजन में गाड़ी में मिलते हैं इंजन को लगाने के बाद। तो सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में इंजन ऑयल टॉप अप करेंगे, और इंजन ऑयल 800 ml रहते हैं, 800 ml जा रहे होंगे, और मैं मोतुल का यूज़ कर रहा हूँ 10W30 का। तो ये भी डाल लेते हैं, उसके बाद इंजन को गाड़ी में बिठाते हैं। तो चलिए, इंतज़ार नहीं होता है, तो फाइनल स्टार्ट का साउंड सुनने के लिए आप लोग भी शायद रुक रहे हैं, तो चलिए साउंड सुनते हैं। और ये सारा पार्ट चेंज हुआ है, आप लोगों ने पहले तो दिखाया ही, और ये मेरा टूल बॉक्स है, और ये गास्केट है जो कि नहीं यूज़ हुआ अभी, तो बाद में यूज़ करेंगे, वो भी रख दिया है मेरे पास। तो ये आपका गियर बॉक्स का है, और कुछ कुछ है, और कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं। तो अभी चलिए गाड़ी में लगाते हैं। तो अभी चेसिस आ गई है, अभी इंजन जो है वो लगेगा इसमें, और आप लोगों को मैं फाइनल स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। Yes, done. Done, totally done. तो आप लोग इंजन का साउंड सुन लीजिए एक बार, ये स्टार्ट हो रहा है पता भी नहीं, कंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद गाड़ी को वॉशिंग करेंगे, उसके बाद पॉलिश करेंगे, और उसके बाद
कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। और गाड़ी जो है वो एकदम ही टिप टॉप हो गया है, एकदम इंजन का साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आया है, आप लोगों ने तो सुना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।